सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियां। आज रिएक्शन होगा एक बहुत ही डिफरेंट से वीडियो पे, मतलब ऐसे टॉपिक पे कभी रिएक्शन नहीं हुआ है कि लाया रिएक्ट पे। सो जस्ट वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं टाइटल रीड कर दूं क्योंकि मुझे टाइटल याद भी नहीं हो पाया। इट वाज सो टिपिकल काइंड ऑफ ओके। गॉस पार्क के वालिद का वाकया, एक सेब और 12 साल गुलामी का वाकया। एक ऐसी स्टोरी होगी जिसके अंदर शायद सेब का कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से 12 साल तक गुलामी हो गई होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि यार अपन ऐसे इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि वीडियो के अंदर क्या है। तो वीडियो के अंदर घुस के देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। रिएक्शन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels जो वहां पर डलती हैं, बड़ी ही शिद्दत से मेहनत से बनाई जा रही है। एक बार चेक करो और अपनी स्टोरीज पे ना उन्हें शेयर जरूर करना। मैं जरा बहुत बूढ़ों की मिसाल नहीं देना चाहता इस मौके पे, क्योंकि जो हमारे समाज के बूढ़े लोग हैं, अल्लाह इनका साया उनके जवानों पे सलामत रखे। बड़े कीमती लोग हैं, इनको इनको यूजलेस मत समझो। जिस घर में कोई बूढ़ा अल्लाह की इबादत करता है, रहमत के फरिश्ते उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। क्या बात है। मैं बूढ़ों की मिसाल नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे समाज में बूढ़े हजरात जो प्लस 70 बल्कि 80 अगर है तो और ज्यादा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते वो लोग, क्योंकि पांव कब्र में, अगला स्टेशन वही है। तो सोचते हैं अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। मस्जिद अजान देने के लिए जैसे लगता है सिर्फ इन्हीं को चुना जाता है। हमारे यहाँ यूपी वगैरह में तो अल्लाह हू अकबर, इतने बूढ़े लोगों को चुना जाता है अजान देने के लिए। एक मस्जिद में सफर कर रहा था, एक मस्जिद में पहुंचा, सुबह सुबह फजर का वक्त था। मैंने कहा सुन्नी मस्जिद है, आला हजरत के गुंबद का नक्श भी बना है। अंदर गया, देखा हाउस के पास एक चचा अजान दे रहे थे। चचा क्या, वो दादा लग रहे थे। मैं डर गया, मैंने कहा शुरू तो कर दिया है, पूरी कर पाएंगे कि नहीं। ओह गॉड, ये तो हमारे समाज का हाल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अजान देना कितना बड़ा सवाब का काम है, अगर मेरी उम्मत जान जाए तो अजान देने के लिए अपनी मयानों से तलवार निकाल लेंगे, एक दूसरे पे सबकत करेंगे अजान देने पर कि मैं दूंगा, एक दूसरे का जरूरत पड़े तो कत्ल तक कर देंगे अजान देने के लिए। अरे? लेकिन हम सोचते हैं जब 70+ हो तब। इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा। मरता क्या ना करता, वो तो करता ही है नेक। मैं नौजवानों के सामने एक नौजवान की मिसाल दे, 21-22 साल का कड़ियल जवान, अपनी कौम का जमात का सिपह सालार है, निकल पड़ा सफर पे। पोटली में जितना खाने पीने का सामान था सब ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग खत्म हो गया। सफर खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा चलता रहा। फिर भूख लगी, खोला तो कुछ नहीं। बयाबान का इलाका है, रेगिस्तान है, सिर्फ एक नदी है। अब पानी पी पी के भूख तो नहीं मिटाई जा सकती, क्या करे। चलता रहा मीलों, चलते चलते जब आंखों के सामने उस नौजवान के अंधेरा आया, लड़खड़ाने लगा, तो उसी अंधेरे में देखा कि खजूर के बाग से नजर खजूरों पे पड़ी नौजवान की। अल्लाह का शुक्र अदा किया, जैसे ही खजूर की तरफ लपका फौरन दिल ने कहा रुक, किस हक से खाने जा रहा, क्या ये तेरा माल है और तू क्या समझता कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा है। नौजवान के तकवे को सलाम, उसने अपने हाथ को खींच लिया और चलता रहा चलता रहा। चलते 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 नौबत यहां तक हो गई कि शरीयत की तरफ से उसे इजाजत मिल गई कि जान बचाना मुश्किल है तो जान बचाने के लिए अब कोई हराम चीज भी मिल जाए तो तू इतना खा सकता है जितने से जान बच जाए, ये नहीं कि पेट भर। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है तो, और शराब की बोतल है तो जान बचाने के लिए दो ढक्कन पी ले ताकि जान बच जाए, ये नहीं कि पूरी बोतल चढ़ा जाए। उस नौजवान को शरीयत का फतवा पता है, मगर उसके तकवे को सलाम। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, दिल में ख्याल आया उठा के इसे भून के खा लूं, मगर दिल के तकवे ने कहा मच्छू अल्लाह देख रहा।
अल्लाह देख रहा है। चलता रहा चलता रहा, जब लड़खड़ा के बेहोश होने लगा, एक के बाद एक, पांच पांच मिनट पे बेहोश होने लगा, तो उसकी इस कैफियत पे अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। मंजर बदल गया कि जिस नदी के किनारे किनारे वो जा रहा था, उसी में देखा कि एक लाल लाल सुर्ख तरो ताजा सेब पैदा हुआ। उसने सेब देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उठाया धोया, न देखा आओ न देखा ताओ, खा लिया। जैसे ही सेब खाया, हलक से सेब मेदे में पहुंचा, राहत मिली, जिसमें करंट आया, दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो ऐसा लगा जैसे नौजवान के पैर से जमीन हिल गई। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? भूख की शिद्दत में मैं इतना अंधा हो गया कि खाने से पहले मैं ये भी नहीं सोच सका कि जो सेब मैं खा रहा हूं इसका मैं मालिक नहीं हूं। ए मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। वो रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। फिर अंदर से आवाज आई उसके मन से कि ये हुकूकुल्लाह का मसला नहीं है, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। तूने जिसका सेब खाया है, जब तक उसका मालिक तुझे माफ नहीं करेगा, तेरी सजा बरकरार है। उस नौजवान ने सोचा, या अल्लाह, ये किस मुश्किल में मैं पड़ गया। सेब खा चुका हूं, सेब हजम हो गया, और हजम हो के लुथड़ा बन के, गोश्त का टुकड़ा बन के, खून का कतरा बन गया, तो वो नापाक खून का एक बूंद मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। ए मौला, इससे पहले कि वो खून बन जाए, मुझे उसके मालिक से मिला दे, ताकि मैं उसका पांव पकड़ के उससे माफी मांग लूं। दाएं बाएं लेफ्ट राइट गर्दन घुमा रहा है, ना कोई इंसान ना इंसानियत। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस रुख से सेब बहता हुआ आया, चल उधर शायद कोई सुराग मिल जाए। उसे पूरब से पश्चिम जाना था, लेकिन सेब उल्टे रुख से आ रहा था, तो वो फिर पश्चिम से पूरब की तरफ मुड़ गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मीलों का सफर तय करता रहा, कोई सुराग नहीं मिला। भूख की शिद्दत उसे तड़पा रही है, कोई सुराग नहीं मिला। चलते 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 उसे दिखा कि एक झाड़ सेब का, उसकी एक डाल जो है वो ऐसा लटकी है कि दरिया की सतह आपको टच कर रही है। उसमें चार पांच लाल लाल सेब लटके थे। उस नौजवान के दिल में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी डाल से टूटा होगा, चलो अंदर बाग में शायद कोई सुराग मिल जाए, इसका मालिक मिल जाए, इससे पहले कि ये खून का कतरा बन के, ये नापाक खून का बूंद मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर दे, चलो मैं मालिक का पांव पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। इतना कहना था मेरे दोस्तों, वो अंदर गया, दिखा तो जोर जोर से उसने आवाज लगाई, कोई है कोई है कोई है। तीन चार बार जब कहा तो एक बूढ़ा इंसान 60+ हाथ में डंडा लिए उस नौजवान के पास आया, कहा, हाँ बेटा बोलो, मैं हूं, क्या बात है? कहा, बाबा आप इस बाग के मालिक हो? हाँ मैं इस बाग का मालिक हूं। कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, जीवन में कभी हराम नहीं खाया था, आज खा लिया, मैंने आपके बाग का सेब खा लिया। बूढ़े ने कहा, मेरे बाग का सेब? मेरी नजर तो बड़ी चौकन्नी है, मैं रात भर जागता हूं, दिन भर देखता हूं, तू जब आया नहीं तो खाया कब? तब उस नौजवान ने पूरा किस्सा सुना कि मैं भूख से परेशान था, जा बल्लब थी, बहता हुआ सेब दिखा, खा लिया, फिर होश आया तो सोचा ये मैंने क्या गजब किया, खून का कतरा बन के मेरे शरीर को गंदा कर दे, चलो मालिक को ढूंढे, तो फिर ये जिस राह से सेब आया, मैं चलते 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 मैंने ये डाल देखी, झाड़ देखा, आपको देखा, मैं समझ गया ये जो सेब मैंने खाया है ये आप ही का है, बस इससे पहले कि ये खून का कतरा बन जाए, अरे बाबा मुझे माफ कर। इतना कहना था मेरे दोस्तों, भोजबल वालों, उस नौजवान का माथा ठनका, उस बूढ़े का माथा ठनका। 21-22 साल की उम्र और ऐसा तकवा, ऐसा अल्लाह का डर, ऐसा भय, ऐसा खौफ खुदा,
ऐसा लगा जैसे उस शेख को उसकी मंजिल सामने नजर आने लगी, ऐसा लगा जैसे उम्मीद के सारे चराग रोशन हो गए, ऐसा लगा जैसे उसकी तमन्ना जो अब तक अंगड़ाई ले रही थी सामने दीदार के लिए खड़ी है, ऐसा लगा जैसे मंजिल मकसूद उसे पुकार रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद उस शेख ने कहा, ऐ नौजवान, यकीनन तूने मेरे बाग का सेब खाया, मेरी आज्ञा के बगैर खाया, बहुत बड़ा तूने जुल्म किया है, मैं इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा। नौजवान रोने लगा, बाबा आजमाइश मत लो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कहो तो मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा, दास बन के रहूंगा, आपका पांव दबाऊंगा, खाना बनाऊंगा, बस मुझे माफ कर दो। शहजादा है, सैयदजादा है, फिर भी माफी मांग रहा है रो रो कर। उस शेख ने कहा, नहीं नहीं ये सब नहीं करना, एक शर्त का, मुझे हर शर्त मंजूर है, का मेरी शर्त ये है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। मेरी बेटी से। आज का छोकरा होता तो कहता, ए बाबा मैं माफी मांगने आया था, मेरे अल्लाह ने देख लिया, दैट्स ऑल, मैं तेरा जमाई बनने नहीं आया। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने कहा, बाबा वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। कहा, माफ कर दूंगा। कहा, मैं मुझे मंजूर है, मैं तेरी बेटी से शादी करने को तैयार। आज का छोकरा तो कहता, व्हाट्सएप से फोटो भेजो, पहले देखूं उसकी आंख कैसी है, बाल कैसा है, उसका उसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है, और शादी लगने से पहले इतनी व्हाट्सएपिंग हो जाती है कि लगने से पहले टूट जाती है। उसने कुछ नहीं पूछा कि कैसी है, क्या है, तैयार हो गए। तब तक उस शेख ने कहा, सुन, तू छोकरा है, नौजवान है, बाद में मुझे ताना देगा कि मुझे बताया नहीं, ये कमी थी, वो कमी थी, मैं सारी कमियां तुझे बताना चाहता ताकि तेरा रिश्ता हो तो अटूट रिश्ता। क्या है कमी? क्या मेरी जिस बेटी से तेरी शादी होने वाली वो आंखों से अंधी है, और सुन, डेफ, कान से बहरी भी है। अच्छा, और सुन, गूंगी भी है, कांट स्पीक, बोल भी नहीं पाती। अच्छा, और सुन, हाथ से लूली भी है, अपना सामान उठा भी नहीं पाती, और सुन, पांव से लंगड़ी भी है। झटका तो लगा उस नौजवान को, लेकिन रो नहीं रहा। आज का छोकरा होता ये फेसबुक व्हाट्सएप वाला तो कहता, ए बाबा ये क्या तमाशा है, ए अल्लाह ये मॉडल तूने मेरे लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, एक झटका उसे लगा, क्योंकि मर्द है, कड़ियल जवान है, खूबसूरत है, झटका लगना फितरी था। लेकिन फौरन ये ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है, कहीं सेब हजम हो के खून का कतरा न बन जाए। वो नौजवान रो उठा, उसने कहा, बाबा गवाह हो जाओ जमीन और आसमान, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, मगर वादा करो मुझे अभी माफ कर दो, मैं तेरी लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, गूंगी छोकरी से शादी करने को तैयार। निकाह हो गया, निकाह बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लामी निकाह होता है, वो गैर इस्लामी निकाह नहीं किया, जूता छुपाई तो कल, मुंह दिखाई तो कल, रस्म कराई तो हल्दी लगाई तो मेहंदी लगाई, ये सब शैतानी रस्में हैं। इस्लामी तौर पे निकाह हुआ, दो गवाह हैं, एक महर मुकर्रर कर दी गई, शादी हो गई। नौजवान शबे ज़िफाफ, सुहाग की रात, अपनी दुल्हन से मिलने जा रहा, वो जो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है, और उसकी दुल्हन कमरे में सजी धजी बैठी अपने सरताज का इंतजार कर रही है, जिसकी राहों में उसे पलकें बिछाना है उसका इंतजार कर रही है। दरवाजे पे पहुंचा तो इस्लामी तरीका क्या है कि जब भी दरवाजे पे जाओ तो नॉक करो। क्या है नॉक करो? कोई करता है? अंग्रेज करते हैं, उन्होंने मेरे आका की ये सुन्नत अपना ली, हम भूल गए। ला तदखुलु बुयूतकुम गैर बुयूतकुम हत्ता तस्तअनिसु, ये कुरान की आयत है। अच्छा, कि जब तक के तुम जान पहचान वाला मामला ना हो, डायरेक्ट घर में किसी के ना घुसो, और यहाँ तो ना रिश्ता ना रिश्तेदारी, या दूसरों के घर में घुस जाते हो। अपने समाज से गुजरात वालों, पहले ये बुराई दूर करो।
शिकायत करते हो कि औरतें पर्दा नहीं करती। अरे तुम कहां औरतों से पर्दा करते हो, तुम पर भी तो पर्दा है। चलते फिरते दिख गई एक नजर चलेगा, लेकिन देखने जा रहे तुम भी गुनहगार। उस नौजवान के मन में आया कि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, न सुनेगी न देखेगी न बोलेगी न हिलेगी, लेकिन सलाम करना तो मुस्तफा की सुन्नत है। मैं अपने आका की सुन्नत पे अमल करके सलाम करूंगा। नॉक किया तो आहट महसूस हुई, दरवाजा खोला, सलाम किया तो देखता क्या है कि एक नौजवान इतनी खूबसूरत, जैसे लग रहा था कि कोई जन्नत के जन्नती हूर जमीन पर उतर गई, चेहरा ऐसा जैसे लगे चौदहवीं का चांद आ गया हो। बद्रे मुनीर झुक के उसने सलाम का जवाब दिया। उस नौजवान ने जब ये मंजर देखा तो भागा, या अल्लाह ये क्या, वो तो अंधी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, बहरी थी, ये तो इंतहाई खूबसूरत, इतनी खूबसूरत की जन्नती हूरे भी इसके रुखसार की बलाएं लेते वक्त चिलमने खुल्द हटा हटा के देखे। ये तो इतनी खूबसूरत की चांद भी शर्मा जाए, कद्दो कामत सलामत आंखें जैसे झील की तरह, चेहरा जैसे महताबो आफताब की तरह चमक रहा, लिबास ऐसा जैसे लगे जन्नती जोड़ा आया हो, नाजुक कितनी जैसे लगे गुलाब की कोई कली सामने खड़ी हो। नौजवान कमरा छोड़ के भागा और उस शेख का हाथ पैर नहीं, सीधे कॉलर पकड़ा और कहे बाबा बहुत हो गया, ये बता तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे। दुश्मनी क्या हुआ, एक गुना मैंने किया था सेब खाकर, जिसके लिए लंगड़ी लूली अंधी बहरी गूंगी से शादी करना पड़ा, दूसरे के कमरे में तूने मुझे भेजा, शर्म नहीं आती। अगर मुझसे ये दूसरा गुना हो जाता तो तब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहता, मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। तूने कहा था अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी लूली, अरे ये तो चौधरी के चांद से ज्यादा खूबसूरत, कद्दो कामत आंखें झील जैसी, चेहरा ऐसा कि हूरे भी बलाएं ले, इसलिए मैं भाग के आया, बता तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मुझे ले चलना उस कमरे में जहां मेरी बीवी जो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी लूली है, उसके कमरे में ले जा, मैं वहां जाकर वहां जाऊंगा, वो मेरी बीवी है। इतना कहना था तब तक उस शेख ने, किसने, हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस नौजवान मुत्तकी, किस नौजवान, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ऐ नौजवान तेरे तकवे को सलाम, ऐ नौजवान तेरी ईमानदारी को सलाम, ऐ नौजवान तेरी वफादारी को सलाम, सुन यही तेरी बीवी है, जिसके कमरे में तू गया था यही तेरी बीवी है, यही महजबी शक्लों वाली तेरी बीवी है, यही अंबरी जुल्फों वाली तेरी बीवी है, यही जैसी नजर आने वाली तेरी बीवी है। मैंने अपनी बेटी उम्मुल खैर को अंधी इसलिए कहा क्योंकि इसने सारी जिंदगी हराम चीज देखी नहीं, इसे बहरी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन इसने हराम चीज सुनी नहीं, इसे मैंने गूंगी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में ये कभी हराम बात बोली नहीं, इसे मैंने लूली इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने किसी हराम चीज को छुआ नहीं, और मैंने इसे लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसका कदम कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। जब मैंने देखा कि एक नाकर्दा गुनाह के लिए, नाकर्दा गुनाह के लिए तो इतना तड़प रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है कि तुझे अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी लड़की भी मंजूर है, तो मैं समझ गया मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तेरे जैसा बेमिसाल जमाई ही चाहिए। सुभानल्लाह सुभानल्लाह, तो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ओके, सो ये वाकया खत्म हो गया। ये बहुत ब्यूटीफुल वाकया था, बट जिस तरीके से इसे डिलीवर किया गया था, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाकर वाकया बयां कर रहे थे, और कुछ मैंने एकदम लो कर दी थी वॉल्यूम इस पूरे वाक्य को सुनते समय, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि एकदम
बहुत फोर्सफुली बोल रहे थे वो, तो ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, मतलब सबका अपना अपना एड्रेस करने का तरीका होता है। और काफी यार बढ़िया वाकया था, मतलब एक एक चीज समझ में आई, एंड इट वॉज लाइक अ स्टोरी राइट। पर कुछ कुछ चीजें इसमें अजीब भी थी, जैसे कि वो बोल रहे थे कि शैतानी सब है ये, मतलब मेहंदी हल्दी एंड ऑल। यार आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी शैतानी है, कुछ भी गलत है, क्योंकि ये एक गेट टुगेदर का पार्ट होता है, सब लोग आपस में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, प्यार बढ़ता है, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है जैसे कि यार ये तो देवता हजरत का मतलब, हजरत बोला ना उन्होंने, तो इसका मतलब होता है कुछ कुछ ऐसे लोग जो बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, सोच समझकर चलने वाले ऐसे इंसान जो कुछ गलत नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ये उनमें से एक थे। अगर नॉर्मली अपन देखें, अगर कोई भूख के मारे मर रहा है और उसे सेव मिल जाए तो सेव को उठाकर खाना गलत नहीं है। या तो आप मर जाओ या फिर आपके सामने जो खाना रखा हुआ है, जो भगवान ने आपके लिए, अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, उसे खा लो। तो मुझे लगता है उस खाने को ग्रहण करना ही बेटर है। उसके बाद उन्होंने माफी जाकर के मांगी जो उस सेव के, उस बाग के मालिक थे उनसे। ये एक बहुत बड़ी बात है ना, ये वो बात है जो नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं। मतलब अपन हाँ खा लेंगे बट अपन उतने थैंकफुल नहीं होते। तो ये एक अपोलोजाइज भी किया उन्होंने और उनको धन्यवाद भी दिया। That is it for today. Thank you so much for watching this reaction video. I will come up with more great content. मतलब और अच्छे अच्छे content मैं ढूंढ के निकालूंगी यार, मुझे comment section में बताओ please. आज मुझे बताओ, I am literally running out of content right now. मिलेंगे फिर से कभी और किसी और reaction video में, या फिर आप चाहें तो मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं। Bye bye.